सीधे लिए चलते, स्वास्थ्य मंत्रालय की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। वेंटिलेटर्स की जो एक कमी स्टेट में कंट्री में महसूस की गई थी, उसके हिसाब से उसको अपग्रेड करने के लिए हमारे एक पीएसयू को हमने 10,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से भी 1 से 2 महीने के अंतर्गत 30,000 एडिशनल वेंटिलेटर खरीदने का अनुरोध किया गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सरकार देश में वेंटिलेटर्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी रिक्वायर्ड कार्य कर रही है। इसके साथ ही 25 मार्च को टेलीमेडिसिन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश और इनके द्वारा लॉकडाउन की अवधि में स्वास्थ्य सेवा का डिसेमिनेशन अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसके लिए डायरेक्शन इशू की गई हैं। मैं आप सबकी नॉलेज में लाना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रपति जी ने भी आज देश के सभी गवर्नरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और साथ ही जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी है, उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से COVID-19 के ऊपर, उसको कंट्रोल करने के ऊपर और उसके साथ उसमें कैसे मिलकर हमें काम करना है, उसके लिए भी एक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। साथ ही भविष्य में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और एडिशनल स्टेप्स क्या लेने चाहिए, इसके लिए भी एक नेशनल टास्क फोर्स जो हमारी बनी हुई है, उसकी भी आज एक विस्तृत चर्चा, उसकी भी एक डिटेल्ड बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फील्ड फ्रंटलाइन वर्कर्स को COVID-19 से निपटने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए, उसके ओरिएंटेशन के लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ANMs, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ओरिएंट करने के लिए एक नेशनल लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, उसको ऑर्गेनाइज किया है। अब हम अभी बात कर रहे हैं, उस समय ये ट्रेनिंग चल रही है। इसके साथ ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, उसके तहत भी एक वेबिनार के थ्रू देश के डॉक्टर्स को क्लिनिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग आज दी गई है। इसी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सीरीज के रूप में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि हम देश के गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले डॉक्टर्स को क्लिनिकल मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज पर ओरिएंट कर सकें। आप सबको अवगत है कि सरकार ने हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 50 लाख रुपए बीमे का कवर की घोषणा भी की है, जिसमें सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज, नर्सेज, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो इस कार्य से डील कर रहे हैं, उन सबको लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इससे फायदा होगा। कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो COVID-19 के रोगियों का इलाज करते हुए किसी भी तरह की दुर्घटना अगर उनके साथ पेश आती है, तो इस योजना के तहत उनको 50 लाख रुपए एज इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, वेलनेस सेंटर और केंद्र के अस्पतालों के साथ साथ राज्य के अस्पतालों में भी यह योजना लागू होगी। यह बीमा योजना कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत 1.7 लाख करोड़ का एक पैकेज जो कल घोषित किया गया, उसके तहत की जाएगी। इसके साथ ही हमारे द्वारा की गई अपील के तहत मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि करीब 1.4 लाख कंपनीज जो हैं, उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको घर से काम करने की, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। साथ ही वर्चुअल ऑनलाइन जो G20 समिट कल हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दूसरे देशों को संबोधित करते हुए सभी सदस्य देशों से भी अपील की है कि वो इस महामारी के संकट से लड़ने के लिए मानव को केंद्र बिंदु के रूप में समझते हुए किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो, या हो तो कम से कम हो, और ट्रेड डिसरप्शन को कम हो, उसके साथ साथ मिलकर कैसे हम G20 के देश मिलकर काम कर सकते हैं, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। इस समय पर जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि हर नागरिक हमें अपना सपोर्ट दे, वो घर पर रहें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। यह लड़ाई, जैसे कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ, यह लड़ाई समस्त समाज और संपूर्ण सरकार के द्वारा मिलकर करे जाने वाली लड़ाई है,
और इसमें सभी का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि जैसे अब तक हमें समर्थन मिलता रहा है उसी तरीके से हम इस लड़ाई को हर तरीके से सक्षम होकर मैनेज कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं अनुरोध करता हूं गृह मंत्रालय के, तो जरूरी सेवाओं की कमी नहीं होगी। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। संयुक्त सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय के लव अग्रवाल इस वक्त जानकारी दे रहे थे। बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे 75 मामले सामने आए हैं और जो वेंटिलेटर की दिक्कत हो रही थी उस पर भी काम चल रहा है। राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाने का फैसला हुआ और इस वक्त जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस वक्त एक ट्रेनिंग चल रही है। 30,000 अतिरिक्त वेंटिलेटर खरीदने की भी बात कही जा रही है।